दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय एडिफाई स्कूल छतरपुर। थिंक बियॉन्ड। नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। और इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां एक भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 12 महिलाएं भी शामिल हैं, जो कि आंगनबाड़ी से खाना बनाकर लौट रही थी। यह हादसा ग्वालियर के आनंद ट्रस्ट अस्पताल के समीप एक बस और ऑटो के बीच हुआ है। हादसे के पहले ये महिलाएं दो ऑटो में सवार थीं, लेकिन नियति को मंजूर था कि एक ऑटो खराब हो गई और उस ऑटो में बैठी महिलाएं दूसरी ऑटो में बैठ गईं। और इस तरह एक ऑटो में, जिसकी कुल कैपेसिटी 3 सवारियों की होती है, उसमें 13 महिलाएं बैठ गईं और इसके बाद ये भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि जताते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मंगलवार की सुबह ऑटो और बस के बीच हुई आमने सामने की टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें ऑटो ड्राइवर और उसमें बैठी 12 महिलाएं शामिल हैं। सभी महिलाएं रात को आंगनबाड़ी में स्कूली बच्चों के लिए खाना बनाकर लौट रही थी। 9 महिलाओं और ऑटो ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। 3 महिलाओं को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। ऑटो ग्वालियर से मुरैना रोड पर चमन पार्क की तरफ जा रहा था, जबकि बस मुरैना से ग्वालियर आ रही थी। हादसा आनंदपुर ट्रस्ट अस्पताल के सामने हुआ। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुरानी छावनी थाने की पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। मृतकों में से 9 की पहचान हो चुकी है। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। चश्मदीदों ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाली सभी 12 महिलाएं दो ऑटो से लौट रही थीं। इनमें से एक ऑटो में सिर्फ 3 सवारी बैठने की कैपेसिटी है, लेकिन 6 बैठाई गई थी। रास्ते में एक ऑटो खराब हो गया, तब इसमें बैठी 6 महिलाएं साथ चल रहे दूसरे ऑटो में बैठ गईं। इस तरह एक ही ऑटो में 12 सवारी हो गईं। उन्होंने तय किया था कि पुरानी छावनी से दूसरा ऑटो कर लेंगे, लेकिन शायद मौत ने ही उन्हें एक ऑटो में किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की घोषणा की है। हादसे में इन महिलाओं की मौत हुई, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अनीता पाल, आशा पाल, उषा जाटव, कमला पाल, गीता राठौर, बिट्टी पाल, राजेंद्री पाल, लक्ष्मी देवी, मुन्नी पाल और उषा जाटव। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। Facebook पेज पर इस खबर को देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कर लें। हम Google Play Store पर भी ऐप के रूप में उपलब्ध हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।